नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज विश्व जल दिवस है, जल है तो कल है विश्व जल दिवस। आज वर्ल्ड वाटर डे, जहां भी गिरे जब भी गिरे सहेजें बारिश की हर बूंद, क्योंकि जहां पानी वहां खुशी और समृद्धि होगी। आज विश्व जल दिवस है और इसी मौके पर जहां भी गिरे जब भी गिरे सहेजें बारिश की बूंदें, क्योंकि जहां पानी वहां खुशी और समृद्धि। लेकिन ग्राउंड वाटर हद से ज्यादा खर्च करने से मुसीबत सामने खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। हम ग्राउंड वाटर खर्च करने में दुनिया में सबसे आगे हैं। जहां 10 साल पहले देश में थी लगभग 15,000 नदियां, लेकिन 4,500 नदियां सूख कर रह गई सिर्फ बरसाती नालियां। और साथ ही राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में भी 35 सालों में भूजल स्थिति हो चुकी बेहद चिंताजनक, बेहद खराब। जहां 100 लीटर पानी जमीन में जा रहा है, 140 लीटर पानी दोहन कर रहे हैं। 35 सालों में अति दोहती ब्लॉक 12 से बढ़कर 185 हो चुके हैं, जो चिंता की बात है। सीधे अर्थों में समझे तो राज्य का 75% क्षेत्र आ चुका है डार्क जोन में, जो कि अच्छी बात नहीं है पूरे राजस्थान के लिए भी, कहीं ना कहीं देश के लिए भी। और अगर समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया, समय रहते चेते नहीं, तो भविष्य में स्थिति और भी भयावह हो सकती है और भी खराब हो सकती है। बेहतर ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जल संरक्षण की बहुत जरूरत है, क्योंकि कैलिफोर्निया में हर महीने 81,000 तक चुकाना पड़ रहा है पानी का बिल। और साथ ही अफ्रीका के 60% घरों में 2-3 दिन में पानी मिल रहा है। सोचिए यहाँ के क्या हालात होंगे। हम भूल रहे हैं कि धरती पर पानी का चक्र और जिंदगी का चक्र एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, और ऐसे में अगर लापरवाही की जाती है तो हालात अफ्रीका की तरह, हालात कैलिफोर्निया की तरह हो सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब ऐसी स्थिति इंडिया में भी हो सकती है। अलग अलग हिस्सों से जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। और साथ ही विश्व जल दिवस आज है और इसी मौके पर तमाम बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर जहां भी एक बूंद पानी की गिरती है उसे सहेज कर रखें, उसे सुरक्षित रखें। जल संरक्षण बहुत जरूरी है और एक हर किसी की जिम्मेदारी, हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो जल संग्रहण करें, जल संरक्षण करें, क्योंकि जहां पानी है वहीं पर खुशहाली है, वहीं पर समृद्धि है। और कम से कम आज वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर, आज जल दिवस है और इसी मौके पर एक संकल्प लेने की भी जरूरत है कि जल संरक्षण के लिए हर कदम उठाने में अब वो भागीदारी निभाएंगे। हर नागरिक को ये संकल्प लेना होगा कि जल संरक्षण उसकी भी जिम्मेदारी है। और साथ ही ग्राउंड वाटर हद से ज्यादा खर्च करने से मुसीबत भी आगे सामने आती हुई दिखाई दे रही है। हम ग्राउंड वाटर खर्च करने में दुनिया में सबसे आगे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। जहां 10 साल पहले देश में भी लगभग 15,000 नदियां थीं, 10 साल पहले की अगर बात करते हैं तो देश भर में 15,000 नदियां थीं, लेकिन 4,500 नदियां सूख कर सिर्फ बरसाती नालियां बनकर रह गई हैं। राजस्थान की अगर बात करते हैं एक बार फिर से, 35 सालों में भूजल स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, चिंतनीय हो चुकी है। और जहां 100 लीटर पानी जमीन में जा रहा है, 140 लीटर पानी दोहन कर रहे हैं। और साथ ही 35 सालों में अति दोहित ब्लॉक 12 से बढ़कर 185 हो गए हैं। ये आंकड़ा कितना बड़ा है आप समझिए। सीधे अर्थों में अगर इसे समझते हैं तो राज्य का 75% क्षेत्र आ चुका है डार्क जोन में। और अगर समय रहते, बार बार हम ये कह रहे हैं कि अगर वक्त रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, अगर चेते नहीं, तो फिर भविष्य में आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयानक हो सकती है और भी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि कैलिफोर्निया का उदाहरण हमने आपके सामने रखा, कैलिफोर्निया में हर महीने 81,000 तक चुकाना पड़ रहा पानी का बिल। और साथ ही अफ्रीका में भी हालात इससे बदतर है, यहाँ पर 60% घरों में 2-3 दिन में पानी मिल रहा है। और हम ये भूल रहे हैं कि धरती पर पानी का चक्र और जिंदगी का चक्र, आपस चक्र जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इसलिए जल संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं, बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार घमासान जारी है। बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रचार तेज हो गया है, युद्ध स्तर पर अब प्रचार किया जा रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव में किस तरीके से घमासान है, बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टियों ने प्रचार को और भी धार दे दी है। चुनावी प्रचार को लेकर भाजपा ने फैसला लिया है। चुनावी प्रचार को लेकर भाजपा का निर्णय है, बेहद महत्वपूर्ण ये फैसला। ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमले नहीं करने का फैसला लिया गया है। साफ तौर से ये फैसला अब क्यों लिया गया, इसके पीछे के असल मायने क्या है, चुनाव में कोई खामियाजा ना हो पार्टी को, इसलिए भी ये कोशिश की गई है क्या। ममता बनर्जी टीएमसी प्रमुख है, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, उन पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करने का फैसला लिया गया। सकारात्मक प्रचार पर फोकस करेगी भाजपा, सिर्फ सकारात्मक प्रचार पर ही फोकस रहेगा भाजपा का। और साथ ही ये फैसला पार्टी नेताओं की सार्वजनिक सभाओं में दिखने लगा इसका असर भी,
जिसमें ममता पर हमले की बजाय विकास की बातें ज्यादा कही जाएंगी। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि सिर्फ विकास की बातें ही होंगी और बाकी किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है। राज्यपाल कलराज मिश्र वर्चुअली इसमें जुड़े हुए हैं, समारोह में मौजूद हैं और साथ ही चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी इसका हिस्सा, नीति आयोग के मेंबर हैं प्रोफेसर वी के पाल और साथ ही कई लोग इसका हिस्सा बने हैं। वीसी के जरिए ये कार्यक्रम हो रहा है और साथ ही एक चांसलर मेडल और 12 गोल्ड मेडल से नवाजे जाएंगे टॉप स्टूडेंट। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह यह है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, वो वर्चुअली जुड़े हुए हैं। साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र भी अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी विधि मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दो, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखे और उनका पालन करे। तीन, भारत की प्रमुखता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण रखे। चार, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांच, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान राष्ट्र की भावना का निर्माण करे। वो धर्म आशा देश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी कुथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान की विरुद्ध है। छह, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सात, प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौ, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। दस, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूए। ग्यारह, जो माता पिता संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा अपने बाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय, कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें। विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री कालूराम जी से निवेदन है कि वे कार्यक्रम के आगे की कार्यवाही करावे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर राजा बाबू पवार कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे 6th दीक्षांत समारोह के शुभारम्भ की घोषणा करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय से आग्रह करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, क्या आपकी अनुमति है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 6th दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा की जावे और मेरे द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए? अब मेरी अनुमति है। श्री कलराज मिश्र साहब, माननीय राज्यपाल राजस्थान प्रदेश एवं कुलाधिपति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय राजस्थान सरकार, डॉक्टर वी के पॉल साहब माननीय सदस्य नीति आयोग भारत सरकार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी माननीय विधायक एवं सदस्य प्रबंध मंडल विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के सम्माननीय सदस्यगण एवं कुल सचिव, विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के अधिष्ठाता, आज राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 6th दीक्षांत समारोह में उपाधियां
एवं मेडल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं, उपस्थित चिकित्सकगण, फैकल्टी सदस्य, मीडिया के सदस्य, विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, प्रिय छात्रों, देवियों और सज्जनों, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के इस छठे दीक्षांत समारोह के इस शुभ अवसर पर मैं मंच आसीन सम्माननीय अतिथिगणों एवं समारोह में उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज उपाधि एवं दीक्षा प्राप्त करने वाले और मेडल प्राप्त करने वाले समस्त छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का ये छठा दीक्षांत समारोह है, जिसे आज पहली बार माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशन और सानिध्य में ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जा रहा है। कोविड 19 महामारी के इस दौर में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा ऑनलाइन दीक्षांत समारोह आयोजित कराने का जो विशेष निर्णय लिया है, ये निश्चित रूप से समय और परिस्थितियों की मांग के अनुसार है। श्रीमान, आपके इस अभूतपूर्व निर्णय से ये कार्यक्रम न केवल मितव्ययता से संपादित हो रहा है, बल्कि आज ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट होने से ज़्यादा छात्रों, चिकित्सकों और टीचर्स द्वारा इस कार्यक्रम में ऑनलाइन भाग लिया जा रहा है। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में समस्त छात्र छात्राओं, शिक्षकों, स्टाफ की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, आपके ही कुशल मार्गदर्शन में ये विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति कर रहा है। ये विश्वविद्यालय क्वालिटी एजुकेशन रिसर्च के द्वारा सक्षम, कुशल, संवेदनशील चिकित्सकों को, नर्सिंग कर्मियों को, फार्मासिस्टों को व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ का सृजन कर समाज की सेवा हेतु कार्य कर रहा है। पिछले एक दशक में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य विज्ञान व अनुसंधान के क्षेत्र में कई नवीन आयाम स्थापित किए गए हैं। ये हमारे विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों के अथक प्रयासों, उनकी मेहनत एवं समर्पित भाव तथा लगन से ही संभव हो सका है। विश्वविद्यालय के वर्तमान में 6 संकाय में चलिए अब आपको सीधे एयरपोर्ट लिए चलते हैं। प्रदेश प्रभारी अजय माकन पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 11:30 बजे का वक्त था, अब थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन ये एयरपोर्ट से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पहुंचे हैं। इसके बाद आज एक दिवसीय उनका दौरा है, तमाम कार्यक्रम भी हैं। PECC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ में मौजूद। अब बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा अजय माकन का, किस तरीके से सुबह से लेकर अब शाम तक बैठकों का दौर चलता है, किस तरीके से मंथन किया जाता है, उस पर भी लगातार नजर रहेगी। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। लगातार इंतजार भी किया जा रहा था कब अजय माकन एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। अब ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। जयपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीर है। कार्यकर्ता बाहर इंतजार कर रहे थे अजय माकन के पहुंचने का। जैसे ही पहुंचे, उनका स्वागत किया गया बुके देकर, और क्योंकि उपचुनाव होने, इस लिहाज से भी उनका ये दौरा आज का एक दिवसीय ही भले हो, लेकिन इसके कई मायने हैं। बैठकें होंगी लगातार, मंथन भी वो करेंगे। खुद सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के साथ भी, PECC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ भी, PECC के पदाधिकारियों के साथ भी उनकी बातचीत होंगी, मीटिंग भी होंगी, जहाँ जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे कुछ बोलेंगे क्या, ये कोशिश की जा रही है। देखिए, उपचुनाव के सिलसिले में, उसकी तैयारी के सिलसिले में और कैंडिडेट्स के चयन के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हैं, और आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और हम लोगों ने अपने ऑब्जर्वर्स और कई प्रभारी मंत्री वहाँ पर काफ़ी समय से तैनात हैं, और पंचायत वाइज हमारे लोग वहाँ पे तैनात हैं, और सब लोगों ने अपनी फीडबैक दी है, और वो फीडबैक के आधार के ऊपर हम लोग कैंडिडेट्स तय करेंगे। हम लोग जो हैं, PCC प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री जी दोनों से निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पैनल बना करके दें, ताकि
सीईसी से दिल्ली के अंदर उसको क्लियर करा करके हम लोग जल्द अनाउंस कर सकें। तो आज मुख्यतः यहाँ पे आने का मकसद यही। जल्दी, अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ भैया, कल नोटिफिकेशन होगी। तो जब नोटिफिकेशन होगी हम लोग तैयारी में सबसे आगे हैं। जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, जो हमारे प्रभारी उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सबके सब लोग तैनात हैं और कई हफ्तों से तैनात हैं वहाँ पर। जो है जैसे मैंने कहा, पंचायत स्तर पर ड्यूटीज लग गई हैं, लोग वहाँ पर ऑलरेडी जाकर के काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और जब कांग्रेस की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, इतना शानदार बजट लेकर के आए हैं, तो हम लोगों को उम्मीद है कि रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। हम लोग तैयारी में और सरकार के काम में, दोनों में हम लोग विपक्षी पार्टी से कहीं ज़्यादा आगे। सीएमआर में भी सर इसी को लेकर चर्चा? बिल्कुल, ये उपचुनाव को लेकर के ही चर्चा है। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंचे, अपनी बात रखी, अपने दौरे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को लेकर ही उनका आज का दौरा महत्वपूर्ण है, दावेदारों को लेकर भी लगातार मंथन चल रहा है, जो प्रभारी है उनसे लगातार फीडबैक भी उन्होंने दिल्ली रहते भी लिया, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हैं तो और भी नजदीक से चीज़ों को समझेंगे, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जहाँ पर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, किस तरीके से काम किया जा रहा है वहाँ पर, क्या रिपोर्ट प्रभारियों के द्वारा उनको दी जाती है, पैनल को अपने साथ दिल्ली लेकर वो जा सकते हैं ऐसी खबर है, और जल्द ही नाम पर मुहर भी लगा दी जाएगी। अब यहाँ से काफिला निकला, अब लगातार बैठकों का दौर भी शुरू होगा, मुख्यमंत्री से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है, उनके साथ भी मंत्रणा करेंगे चुनाव को लेकर, उसके बाद पीसीसी पदाधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक होनी है, जो प्रभारी हैं उनसे भी एक रिपोर्ट वो लेंगे, किस तरीके से पार्टी वहाँ पर ग्राउंड पर काम कर रही है। उन्होंने कहा तैयारियों के बारे में जानकारी दी, साफ तौर से कहा कि सबसे ज़्यादा पुख्ता तैयारी कांग्रेस की ही है और जीत कांग्रेस की होगी, सरकार ने बेहतरीन काम किया है, उपचुनाव सरकार के कामकाज पर भी डिपेंड करेगा, सरकार पर भरोसा आम लोगों का है, विधानसभा के उपचुनाव जहां पर भी होने हैं वहां पर विधानसभा क्षेत्रों में लोगों का जो रुझान है वो सरकार के साथ है, लोगों का भरोसा है सरकार पर, और इसीलिए भी जीत कांग्रेस की होगी। अब किस तरीके से उनकी बैठकें आज दिन भर होती हैं, हालांकि एक दिवसीय उनका दौरा है, शाम होते होते दिल्ली वो रवाना हो जाएंगे, अब नज़र इस बात पर कि पैनल उनके साथ दिल्ली जाएगा या फिर नहीं जाएगा, उसके बाद कब तक दावेदारों के नाम का अनाउंसमेंट किया जाता है, इसको लेकर भी इंतजार लगातार है, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव को लेकर काउंटडाउन एक तरीके से जारी है, काउंटडाउन चल रहा है। अब जल्द ही हर दोनों ही दलों की तरफ से, आप सोचे कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदेश प्रभारी अजय माकन खुद जयपुर आकर भी, दिल्ली में बैठकर भी अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को लेकर, उसके बाद बीजेपी की भी अपनी तैयारी है, लगातार नामों को लेकर वहां पर भी मंथन हो रहा है। अब साफ तौर से जैसे कि अजय माकन ने भी कहा कि पुख्ता तैयारी कांग्रेस की है, बेहतरीन तैयारी है, ग्राउंड को लोगों को पहले ही जिम्मेदारियां दे दी गई थी, ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट उन तक पहुंचाई जा रही है, ग्राउंड पर काम किया जा रहा है, जो नाम डिसाइड किए गए हैं उन पर मंथन आज भी होगा, और उसके बाद संभवतः बहुत जल्दी ही नामों पर मुहर भी लग जाएगी, नाम आपके सामने होंगे, अब किस किस पर दावा लगाया जाता है, किस किस पर जिम्मेदारी दी जाती है विधानसभा उपचुनाव में जीत की, इसको लेकर भी आज मंथन, और उसके बाद जल्द ही नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। जयपुर का एक दिवसीय दौरा है प्रदेश प्रभारी अजय माकन का, बेहद महत्वपूर्ण है उपचुनाव के लिहाज से भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मिथुन चक्रवर्ती ने मतदान पहचान पत्र करवाए स्थानांतरित, ये बड़ी जानकारी है, मिथुन चक्रवर्ती ने मतदान पहचान पत्र को स्थानांतरित करवा दिया है, मुंबई से कोलकाता स्थानांतरित करवाया गया मतदान पहचान पत्र। अब इसके पीछे की असल वजह क्या हो सकती है, चर्चा इस बात को लेकर है कि कोलकाता के किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं मिथुन दादा, ये खबर है कि हो सकता है कोलकाता के किसी सीट से उनको जिम्मेदारी दी जाए, चुनाव लड़ सकते हैं। 7 मार्च को कोलकाता रैली में थामा था भाजपा का दामन, वो तस्वीरें भी सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी। भाजपा प्रवक्ता श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व और अभिनेता स्वयं इस पर फैसला करेंगे कि किसी सीट से दावेदारी वो करते हैं, किसी सीट पर चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं लड़ते हैं, ये पार्टी नेतृत्व का फैसला होगा, खुद अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का फैसला होगा, इस पर उन्हीं को निर्णय लेना है। फिलहाल चर्चा इसी बात को लेकर चल रही है कि स्थानांतरित जो किया है पहचान पत्र को, इससे उम्मीद यही कि किसी जगह से, किसी विधानसभा क्षेत्र से उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। असम की चाय में राजनीतिक उबाल, जी हाँ, असम की चाय बेहद मशहूर, बेहद फेमस, और असम की चाय में राजनीतिक उबाल किस तरीके से आ रहा है, असम में चुनाव होने और इसीलिए चाय का सहारा हर राजनीतिक दल ले रहा है, चाय के बिना असम का परिचय बेहद अधूरा है, असम की अर्थव्यवस्था में चाय का अहम योगदान है, और अब चुनावी चौसर में भी खूब उबल रही चाय, साथ ही मोदी और राहुल की रैलियों के बाद चर्चा और भी तेज हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी की भी वहां पर रैली हुई, राहुल गांधी की भी रैली वहां पर हुई, जिसके बाद चर्चा और भी तेज है, चाय और चाय वालों की चर्चा जोर पकड़ रही है,
मोदी और राहुल भुनाना चाहते चाय बगान के श्रमिकों के वोट बैंक को, और साथ ही राज्य के विधानसभा चुनाव में चाय बगान श्रमिकों की अहम भूमिका है, और साथ ही 3 दर्जन सीटों पर चाय से जुड़े समुदाय निर्णायक भूमिका में है और इसीलिए चाय के बगानों के जरिए रिझाने की उनको पूरी कोशिश की जा रही है। एक समुदाय विशेष को रिझाने की कोशिश, उनके वोट बैंक को हथियाने की कोशिश वो हर पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार कोशिश यही है कि चाय बगानों के जरिए अपने वोट बैंक को साधा जाए। केरल में कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो सिर मुंडवा दिया। जी हां, केरल में कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने से बेहद नाराज और उसके बाद सिर मुंडवाया। केरल महिला कांग्रेस अध्यक्ष लतिका सुभाष की बगावत सामने आई है। सिर्फ 10 सीटों पर महिलाओं को टिकट देने से नाराजगी जाहिर की और लतिका सुभाष की बगावत किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर जाएगी, चुनाव में किस तरीके से असर दिखाई देगा, इसको लेकर भी लगातार मंथन हो रहा है। सिर्फ 10 सीटों पर महिलाओं को टिकट देने से नाराज है और एतुनामूर से कांग्रेस प्रत्याशी बनना चाहती थी लतिका सुभाष, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने पर लतिका ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, बगावती सुर अख्तियार कर लिए हैं। साथ ही कांग्रेस कार्यालय के सामने मुंडन करा लिया। 14 मार्च तक इंदिरा गांधी जैसे दिखते थे लतिका के केश, लेकिन अब चूंकि उनको टिकट नहीं दिया गया गुस्से में आ गई है, मुंडन कर दिया गया। 10 सीटों पर ही महिलाओं की दावेदारी को लेकर चिंता जाहिर की है, नाराजगी जाहिर की है, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब केरल कांग्रेस में पहले से ही तमाम बातें चल रही है, सियासी जो उठापटक है या फिर अंतरकले की खबरें हैं उसके बीच अब लतिका सुभाष का इस्तीफा किस तरीके से वहां पर चुनाव में असर डालेगा इस पर लगातार असर। परमबीर के लेटर बम के बाद पुलिस में कीचड़ की होली खेली जा रही है। जी हां, परमबीर के लेटर बम के बाद पुलिस में किस तरीके से कीचड़ की होली चल रही है, देखिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। एक दूसरे पर कीचड़ किस तरीके से उछाला जा रहा है, पुलिस अफसर एक दूसरे पर किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं वो भी आप समझिए। ACS को निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर अनूप डांगे का पत्र है, खत लिखा है अनूप डांगे ने ACS को और 2 फरवरी को भेजा पत्र अब मीडिया तक पहुंच गया है। 2 फरवरी को उन्होंने खत लिखा था, अब वो खत मीडिया के पास भी है और पत्र में परमबीर सिंह के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते होने का शक जाहिर किया गया है। अब परमबीर सिंह ने रिश्तेदार के जरिए की थी पेशकश, बहाली के लिए 2 करोड़ रुपए मांग रहे थे परमबीर सिंह। अब परमबीर सिंह ने आरोपों को निराधार बता दिया, बेबुनियाद कहा है। परमबीर सिंह इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। हाईकोर्ट में मामला होने से नहीं की कोई टिप्पणी और मुख्यमंत्री गृह मंत्री को भी भेजी थी पत्र की प्रतिलिपि, अब तक उचित कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं अनूप डांगे। क्या उचित कार्रवाई होगी, उनको दरकार है उचित कार्रवाई की, अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं। बीकानेर से खबर है, चोरों ने ज्वेलर की दुकान को निशाना बनाया। बीकानेर से बड़ी खबर है, चोरों ने ज्वेलर की दुकान को किस तरीके से निशाना बनाया। देर रात बाइक पर सवार होकर बदमाश आए, दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हो गई है चोरी की पूरी वारदात। वार्ड 36 में इंदिरा कॉलोनी की पूरी घटना है। भाजपा नेता भगवान सिंह मेड़तिया मौके पर पहुंचे और बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में आक्रोश है। बीजेपी लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर सरकार को घेर रही है। एक बार फिर से बीकानेर में जो ताजा घटनाक्रम निकलकर सामने आया है उसको लेकर भाजपा नेता भगवान सिंह मेड़तिया मौके पर पहुंचे और बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर एक के बाद एक जो लगातार वारदातें हो रही है बीकानेर में उसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और ये फुटेज भी निकलकर सामने आया। इसी फुटेज के आधार पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देर रात बाइक पर सवार होकर बदमाश आते हैं और फिर दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। अभी तक भी पुलिस के हाथ खाली है। सीसीटीवी में कैद हो गई बदमाशों की पूरी वारदात, ये चोरी की वारदात, और साथ ही वार्ड 36 में इंदिरा कॉलोनी की ये पूरी घटना, सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा हुआ था जिसमें ये पूरी वारदात कैद हो गई है। अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है। पुलिस का दावा है जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन सवाल ये कि बदमाशों में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है, जिसको लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी बीजेपी हमलावर है। विपक्ष के कई सवाल भी हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तमाम जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो वारदातें सामने आ रही हैं बीकानेर में एक के बाद एक, उसको लेकर भी कई सवाल है। स्थानीय लोगों में भी गुस्सा है, स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित हैं। कहना यह कि पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के दायरे में आती है, क्योंकि एक के बाद एक अगर ऐसी घटनाएं होती हैं पुलिस को कानो कान भनक नहीं लगती है। लगातार दावा यह किया जाता है कि हर हिस्से पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है या फिर पुलिस की नजर है, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी की बड़ी वारदात, ज्वेलर की दुकान को निशाना बनाया गया। देर रात बाइक पर सवार होकर बदमाश आते हैं, हालांकि गश्ती की बात भी पुलिस की तरफ से कही जाती है। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।